दोस्तों मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां की महिलाओं को लाडली बहना कहते हैं, लेकिन उसी लाडली बहनाओं ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे को ही घेर लिया। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हंगामा हो रहा है, बताया जा रहा है कि ये शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं जिनको लाडली बहनाओं ने घेर लिया। अब किस लिए घेरा होगा ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ, आप देखिए कि वहां पे हंगामा हुआ है। बताया जा रहा है कि ये शिवराज सिंह चौहान के सपुत्र है जिनको लाडली बहनाओं ने घेर लिया। जैसा कि आप जानते हैं कि कई वादे किए गए हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन उन वादों के ऊपर मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज सिंह चौहान की सरकार खरे नहीं उतर पाई है, और उसको लेकर अब जो है वो चुनाव से पहले ये सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। आप देखिए पहले इस वीडियो को, उसके बाद इस पे आगे चर्चा करते तो वीडियो देख लिया आपने, ये शिवराज सिंह चौहान के बेटे बताए जा रहे हैं जिनको लाडली बहनाओं ने घेर लिया। बहुत सारे ऐसे वादे, बहुत सारे ऐसी घोषणा की गई जिसपे भारतीय जनता पार्टी वहां पे खरी नहीं उतर पाई है। अब बताया जा रहा है कि जो शिवराज सिंह चौहान है वो तो जनता को मिलते नहीं है, लाडली बहनाओं को मिलते नहीं है, इसलिए उनको उनके सपुत्र को ही घेर लिया गया। पीयूष बबले लिखते हैं ये कोई सर्वे नहीं है, मध्य प्रदेश की ग्राउंड रिपोर्ट है, मामा हाथ नहीं आते, इसलिए उनके बुधनी विधानसभा के लाडली बहनाओं ने उनके सपुत्रों को ही घेर लिया, जनता अब घोषणा नहीं विदाई चाहती है। ये पीयूष बबले है जो इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखते हैं, और वीडियो में क्या कुछ हुआ आपने देखा, ये चुनाव से पहले का नजारा है। और जैसा कि आप जानते हैं जो सर्वे भी आ रही है मध्य प्रदेश में, उसमें भारतीय जनता पार्टी हारती हुई दिखाई दे रही है, और ये कोई ऐसा वैसा सर्वे नहीं है, खुद गोदी मीडिया का ये सर्वे है जिसमें ये सामने आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बन रही है, वहां पे कांग्रेस की सरकार बन रही है। आप ये सर्वे वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं, कल इस वीडियो में मैंने बताया कि जो सर्वे आया है उसमें कांग्रेस की सरकार बन रही है, ये गोदी मीडिया चैनल के हिसाब से ये सर्वे आया है। आपने नहीं देखा तो आप जाकर जरूर देखिए, और आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, और मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले ये जो माहौल दिख रहा है आपको, उसके बारे में भी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।